हेलो गाइस, वेलकम टू इटरनिटी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पैरेलेक्स मेथड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं एरर्स क्या होता है। एरर्स वर्ड सुनने से तो आप लोग को समझ आ रहा हो कि एरर्स मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी। एरर्स का बेसिक मीनिंग यही होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी। जैसे कि ये दो पॉइंट है, मुझे यहाँ से यहाँ लकीर खींचना है, सीधा लकीर। जैसे मैंने ऐसे किया, सीधा नहीं खींचा पाया है, तो क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, एरर हो गया। तो जब लकीर खींचना था तो इसमें एरर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एरर इन मेजरमेंट, मतलब कुछ भी चीज को जब हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें कुछ एरर आता है, तो जिसके कारण हम लोग का जो वैल्यू रहता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसे हम लोग एरर कहते हैं। तो एरर का सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ every measurement by any measuring instrument contain some uncertainty, it is called errors. So the result of every measurement by any measuring instrument, instrument contains some uncertainty, it is called errors. मतलब किसी भी measuring instrument के द्वारा जब किसी कोई भी चीज measure किया जाता है तो उस time ना वो कुछ uncertainty दिखाता है, मतलब कि कुछ गड़बड़ी दिखाता है, उसका value certain नहीं होता है, तो उस चीज को हम लोग एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे गाइस नोट कर लेंगे, नोट है आपका, मेजरमेंट कैन नेवर बी मेड विथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि मेजरमेंट कैन नेवर बी मेड विथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन, मींस आपका हो गया कि कोई भी मेजरमेंट जब भी होगा ना तो वो कभी भी आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा अनसर्टेन वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग एरर्स बोलेंगे। तो फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं कि इसका टाइप क्या होता है। तो आइए गाइस देखते हैं इसका टाइप। गाइस तो यहाँ पे देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। तो बेसिकली एरर जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला आपका है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो आपका है सिमेट्रिक एरर। फिर सेकेंड है आपका रैंडम एरर। इसका फिर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि सिस्टमैटिक एरर होता क्या है। सिस्टमैटिक एरर, तो इसका डेफिनेशन आपका हो जाएगा दोज एरर विच टेंड इन वन डायरेक्शन आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। दोज एरर्स विच टेंड इन वन डायरेक्शन आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ऐसा एरर जो टेंड करता है आपका किसी एक डायरेक्शन में, या तो वो पॉजिटिव एरर आएगा पॉजिटिव में दिखाएगा या तो फिर नेगेटिव में दिखाएगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, पहला आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब हो गया कोई किसी इंस्ट्रूमेंट जिससे लोग मेजर करते हैं उसके द्वारा एरर। फिर सेकेंड आपका हो जाएगा इम्परफेक्शन एरर। फिर थर्ड आ जाएगा आपका पर्सनल एरर। तो इस प्रकार हमने देखा सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, उसका एग्जांपल
फिर हमारा नेक्स्ट है रैंडम एरर। इसको हम लोग समझते हैं कि रैंडम एरर क्या होता है। गाइस हमारा सेकंड एरर है रैंडम एरर। द रैंडम एरर आर द एरर व्हिच आर द एरर्स व्हिच अगर इरेगुलरली बाय द साइन एंड साइज। मतलब ऐसा एरर जो अगर होगा इरेगुलर, जैसे कि सिस्टमैटिक में क्या होता है किसी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव, पर ये जो होगा ये इरेगुलर होगा बाय द साइन एंड साइज। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी एक तरफ का एरर ही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। देखते हैं कि क्या होता है लिस्ट काउंट एरर। गाइस यहाँ पे लिस्ट काउंट एरर, तो लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? लिस्ट काउंट का एरर का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट एरर। देन आपका हो जाएगा द लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विथ द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देन द लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विथ द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मीन्स ये जो लिस्ट काउंट एरर होता है वो आपका एसोसिएट रहता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आइए देखते हैं वो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर सार्थकम। तो ये क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं जैसा कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कभी भी सटीक वैल्यू नहीं दे पाता है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेजरमेंट में हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, अप्रोक्स एक्यूरेट वैल्यू, और उसको हम लोग फिर पुट करते हैं वहां पे। तो ये जो अप्रोक्स एक्यूरेट वैल्यू होता है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। आपको इसका डेफिनेशन हो जाएगा एज वी नो दैट That no any instrument, no any physical instrument can measure a absolute correct. Absolutely correct. So that in physical measurement we take approx accurate value. This approx accurate value is known as significant figure or significant value. इस प्रकार हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सार्थकम। तो एज वी नो दैट नो एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट
कैन मेजर एब्सोल्युटली करेक्ट सो दैट इन फिजिकल पॉइंट इन फिजिकल मेजरमेंट वी टेक अप्रोक्स एक्यूरेट वैल्यू वी टेक अप्रोक्स एक्यूरेट वैल्यू दिस अप्रोक्स एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट वैल्यू। इसका नोट्स आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर आप लोग डायरेक्ट यहां से उतार सकते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलायबल एंड नॉन रिलायबल। इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है रिलायबल एंड नॉन रिलायबल। तो वैसा डिजिट जिसका वैल्यू सर्टेन होता है उसे हम लोग रिलायबल बोलते हैं, और वैसा डिजिट जिसका वैल्यू सर्टेन नहीं होता है उसे हम लोग नॉन रिलायबल बोलते हैं। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। दो डिजिट विच आर सर्टेन इज कॉल्ड reliable and those digits which are not certain is called non-reliable। तो चलो समझने का ट्राई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं 1.2। इसमें बताना है कि कौन सा रिलायबल है और कौन सा रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे दो डिजिट है 1 फिर उसके बाद 0.2। तो 1 जो होगा आपका वो रिलायबल होगा, इसका वैल्यू सर्टेन है क्योंकि इसके यहाँ का वैल्यू हम लोग नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे हो गया 1 रिलायबल हो गया, और ये 2 है तो इसके बाद भी कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ 0 भी हो सकता है। तो 2 जो है वो नॉन रिलायबल है, इसका वैल्यू सर्टेन नहीं है। फिर सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड एग्जांपल है आपका 1.57। तो इसमें क्या होगा, 1 तो आपका रिलायबल है तो 1 आपको लिखेंगे रिलायबल। फिर इसके बाद 5 एंड 7 देखते हैं, तो 5 आपका क्या होगा, ये जो लास्ट डिजिट है इससे पहले तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये 5 क्या हो गया, रिलायबल। फिर 7 देखते हैं, तो 7 आपका होगा नॉन रिलायबल। फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग 1.567। तो यहां पे देखते हैं, तो 1 तो आपका रिलायबल हो गया, 5 भी आपका रिलायबल है, तो फिर 1 एंड 5 आर रिलायबल, 6 एंड 7 आर नॉन रिलायबल। तो यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है कि जब भी कोई दो डिजिट रहेगा जैसे 1.2, तो सब लोग के बाद जो पहला डिजिट है यानी सॉरी आखिरी डिजिट होगा वो आपका नॉन रिलायबल होता है। फिर सेकेंड देखते हैं कि 1.5 और 7 है, तो यहाँ पे 1 और 5 जो है आपका रिलायबल है एंड 7 जो है आपका नॉन रिलायबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 1.567, तो इसमें 1.5 जो है 1 और 5 वो रिलायबल है और 6 7 नॉट रिलायबल है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि दशमलव के बाद जो पहला अंक होगा यानी पॉइंट के बाद जो पहला अंक होगा वो आपका केवल रिलायबल होगा और बाकी जितना अंक होगा वो नॉन रिलायबल होगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। गाइस तो यहां पे हमारे पास रूल्स है फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो को छोड़ के जितना भी नंबर है जैसे 1, 2, 3 अगर एक संख्या है एक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1, 1, 2, 3 क्योंकि तीनों नॉन जीरो है, तो इसलिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट नो मैटर्स वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि एक
नॉन जीरो एलिमेंट है और ये 5 नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका बीच में अगर कोई भी हम लोग जीरो डालते हैं तो ये सारा भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है द नंबर इज लेस देन 1। इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब आपका क्या होता है? इसका मतलब हम लोग समझते हैं जैसे कोई भी नंबर 1 से छोटा है इसका मतलब 0. फॉर एग्जांपल ले लेते 0.50। तो यहां पे जो जैसे कि नंबर है तो पॉइंट का जैसे 0 से ये छोटा नंबर है 1 से और फिर राइट ऑफ द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो मतलब राइट डेसिमल से राइट साइड में लेकिन नॉन जीरो नंबर से पहले। तो नॉन जीरो नंबर यहां पे 5 है ये तो इससे पहले जो भी जीरो होगा ये सब आपका नॉट सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पे सिग्निफिकेंट कौन हो जाएगा 5 और 0 तो यहां पे 2SF हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर 5 और 0 ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका द रूट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे एक नंबर लेते हैं 1000 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो इसमें होगा सिर्फ एक ये जो है ये क्योंकि ट्रेलिंग करता हुआ जो जीरो होता है यानी जीरो बढ़ते जाएगा अगर इसको और बढ़ाते जाएंगे तो ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट केवल यहाँ पे ये है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं जैसे 1.0 लगा देते हैं 1.0000 तो सारा का सारा ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा लेकिन अगर यहां से हटा देते हैं तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट रहेगा बाकी कोई सा भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कि अभी आपको बताया जैसे ये नंबर है तो यहाँ पे लगा दिए पॉइंट तो ट्रेलिंग जीरो में अगर पॉइंट लगा देते हैं तो सारा फिर जितना भी हो जाता है वो सारा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रूल्स क्या थे डिटरमाइनिंग करने के लिए जो भी सिग्निफिकेंट है उसको फिगर है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी रूल था उसे हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप कमेंट में कीजिएगा फिर उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं गाइस हम लोग देखते हैं काउंट एसएफ यानी कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। तो पहला एग्जांपल है हमारा 1000 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आप कमेंट कीजिएगा। तो पहला जो 1000 है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा एक क्योंकि आपको बताया था जितना भी ट्रेलिंग जीरो रहेगा वो सारा को नॉट सिग्निफिकेंट हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1SF। फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी ट्रेलिंग जीरो है पर यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव जब भी आ जाता है बीच में तो उसके बाद जितना भी इधर का रहे चाहे इधर का वो सारा आपका हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया आपका 1, 2, 3, 3SF। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.00760 तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पे तो दशमलव के राइट साइड में जो भी अंक दशमलव के राइट साइड में जब तक कोई डिजिट नहीं आता है जैसे कि यहाँ पे डिजिट आ गया तो उसका जितना भी उधार कराएगा वो सारा एसएफ होगा और दशमलव के बाद नॉन जीरो एलिमेंट का जितना पहले कराएगा ये नॉट सिग्निफिकेंट होगा और ये सारा सिग्निफिकेंट होगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पे हो गया आपका 3SF और ये दोनों को नॉट सिग्निफिकेंट हम लोग कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है 1, 2, 5, 6 तो ये सारा का सारा नॉन जीरो एलिमेंट है तो जितना भी है वो सारा का सारा आपका एसएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4SF हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 0, 0, 0, 7 तो कितना भी नंबर ऑफ जीरो रहे किसी दो नॉन जीरो एलिमेंट का बीच में तो वो सारा का सारा एसएफ कंसिडर किया जाता है तो इसका नंबर ऑफ एसएफ हो जाएगा 3, 2, 5, 5SF। इस प्रकार हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं या कैसे काउंट करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका देख लेते हैं इसमें रूल क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या रूल होता है तो रूल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ
सिग्निफिकेंट फिगर। गाइस तो पहला रूल है आपका, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू और मोर सिग्निफिकेंट द फाइनल फिगर विल बी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि अगर कोई हम लोग दो डिजिट लेते, दो नंबर लेते हैं, तो उसका जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और दो नंबर को आप जब हम लोग गुना कर देंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हमेशा जो दो नंबर है उससे हमेशा कम रहेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल एग्जांपल में आपका हो जाएगा 3.256 इंटू हो जाएगा आपका 2.25। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा उसका माइक हमारे कौन है। तो इसका ये हमारे पास दो डिजिट दो अंक सॉरी नंबर है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आता है 7.326। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे यहाँ पे 3 था इसके बाद 2 है, तो दोनों में जो मिनिमम होगा ना वो होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 3.2, ये आपका आंसर होगा। फिर ऐसे ही अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 3.256 डिवाइडेड बाय 2.25। इसका आंसर फिर आ जाएगा आपका 1.44711। इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे 1.44। फिर इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं 3.5762, इसको प्लस या माइनस करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे आपका 1.542 के साथ। तो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5.1182। इसको हम लोग लिखेंगे 5.11। और फिर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे 3.5762 में 1.542 को, तो आपका आ जाएगा 2.0842। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.03। तो ये आपका था 2.0342 को हम लोग लिखेंगे 2.03। तो जब भी अगर जैसे कि इसका जितना भी पॉइंट के बाद जितना डिजिट है या इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जब भी हम लोग या तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवीजन या सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो उसका जो आंसर होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा आपका दिया हुआ जो नंबर है वो दोनों से कम या बराबर होगा, उसमें से जो लेस होगा उसके बराबर या तो उससे कम होगा। जैसे कि यहाँ पे था 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 3, तो जो जब भी इसका आंसर होगा तो या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। फिर यहाँ पे भी देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें या तो 3 होगा या तो उससे कम होगा। इस प्रकार हमने रूल देखा कि जो भी रूल देखा कि रूल ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।